नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। हम नवादा जिले के रेवड़ा गांव में हैं। एक काशी चक ब्लॉक में पड़ता है। रेवड़ा ऐसे सामान्य गांव की तरह है, लेकिन इस गांव की एक ऐतिहासिक पहलू है और जो काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास के दृष्टि से माना जा सकता है, कहा जा सकता है। क्योंकि आज के दिनों में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन रेवड़ा की महिलाओं ने आज़ादी के पहले एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ, ज़मींदारों के खिलाफ अगुवाई की थी। तो हम चूँकि यहाँ पे जहाँ पे हैं, ये पाकड़ का पेड़ है और पाकड़ के पेड़ के पास ही किसान आंदोलन की का बिगुल फूका गया था। यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा देश भर के किसान एकत्रित हुए थे। तो यहाँ पे महिलाओं की बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि हुआ क्या था कि ज़मींदार का के अत्याचार से पुरुष लोग गाँव छोड़ के भाग जाते थे और बहुत मरणासन स्थिति थी, भूखों मरने की स्थिति थी। लोग बड़े फटे चिथड़े कपड़े में रहते थे। तो उस परिस्थिति में महिलाएं आगे आई और इस आंदोलन का नेतृत्व की। और सबसे बड़ी बात कि उस समय हल जोतने के लिए महिलाएं, क्योंकि घर से महिलाएं ज़्यादातर नहीं निकलती है, लेकिन उस दौर की बात करें, उस समय महिलाएं हल जोतने के लिए निकल गई थी। और उसके बाद उन लोग अंग्रेज और जो ज़मींदार के जो कारिंदे आते थे, उनको वापस लौटने पर मजबूर कर दिया करती थी। और यही कारण रहा कि यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। और सबसे खास बात इस आंदोलन का ये रहा कि ज़्यादातर आंदोलनों में नेता अगुवाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसान और महिलाएं अगुवाई कर रही थी। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं नई पीढ़ी की महिलाओं से। यहाँ पे शिक्षिका हैं, तो ये लोग उनके बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा अपना परिचय के साथ बताइए। मैं कुमारी अम्बू, मध्य विद्यालय रेवड़ा, सहायक शिक्षिका के पद पर स्थापित हूँ। जी बताइए, क्या क्या जानते हैं पहले के इतिहास के बारे में? पहले के इतिहास के बारे में यही जानते थे, ये जो स्वामी सहजानंद हैं, ये पाकड़ का वृक्ष है। इनका ये प्रमाण है कि ये पाकड़ के वृक्ष के नीचे ही स्वामी सहजानंद जी किसान आंदोलन शुरू किए थे। 30,000 के महिलाएं और किसान यहाँ पर आए, सभी मिलकर के किसान आंदोलन को यहीं से अगुवाई किए। इतना ही नहीं, जब अंग्रेज इनके ऊपर जब अत्याचार कर रहा था, उस अत्याचार के समय, उस विरोध के समय, सिर्फ पुरुष ही नहीं, किसानी ने महिलाएं ने भी अपने कंधे से कंधे मिला करके पुरुष को साथ दिया। और इतना ही, उस वक्त अभी बहुत मशीनीकरण का उपकार चल रहा है, लेकिन उस वक्त सिर्फ किस हल चलाना ही बैल से काम होता था। उस समय भी महिलाएं उन बैल हल चलाने के लिए खेत पर उतर गई, जो कि एक बहुत ही अपने आप में, जो भी कहा जाए, बहुत गर्व की बात है। आजकल की महिलाएं, हम भी महिलाएं आज इस तरह से हो जाएं, तो मेरा किसान, मेरा खेत, मेरा भारत आगे की ओर, सब देशों से मेरा भारत आगे बढ़ेगा। मेरे मध्य विद्यालय रेवड़ा में स्थापित हैं, गांव की बहू भी है। ऐसे तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन पूर्वजों के कहने के अनुसार मैंने जानते हैं कि स्वामी जी जो थे, इसी पाकड़ के पेड़ के नीचे से अपना आंदोलन शुरू किए थे। और उसमें महिला लोग ज़्यादा तब भाग ली थी, हिस्सा ली थी। किसान पर ज़्यादा क्रश किया जा रहा था, अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना ज़मींदारी दिखा रहा था। ज़मींदारी के चलते यहाँ मतलब इतना अत्याचार था कि गरीबी बहुत ज़्यादा हो गया था। तब महिला लोग आगे निकल गई झंडा लेकर के और हल चलाने लगी, खेत में अपना सब कुछ करने लगी। उसे किसान अंग्रेज लोग छोड़ करके भाग गए। तो अभी स्वामी जी के यहाँ पे लोग याद करते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत याद करते हैं। उनको शिवरात्रि के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अच्छा। लोग बड़े उत्साह से उनको फूलमाला महिला लोग भी करती है। हम लोग भी स्कूल में है, जब भी कुछ झंडा फहराया था 15 अगस्त 26 जनवरी उनको माला पहनाते हैं।